आज हम आए हिमाचल और हिमाचल में चंबा शहर में। चंबा शहर अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता है और अपनी कला और शिल्प कला के लिए बहुत ही फेमस है। तो आज हम आए चंबा, और चंबा में हम सबसे पहले आए थे चामुंडा माता मंदिर। तो मेरे चैनल पे जाके आप चामुंडा माता की वीडियोस देख सकते हैं। तो हम चंबा में 11 बजे पहुंचे थे। हम भरमौर से सुबह 9 बजे चले थे और 11 बजे पहुंच गए, तो 2 घंटे का रास्ता था। भरमौर से चंबा का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। तो हम 11 बजे यहाँ पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने चामुंडा माता के मंदिर में दर्शन किया और फिर हम चल पड़े हैं चौगान मैदान की तरफ। यहाँ से होते हुए मार्केट की तरफ जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि चंबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे। आपको बता दूं कि चंबा शहर का नाम राजा साहिल वर्मा की पुत्री के नाम पर, चंपावती के नाम पर पड़ा है। चंबा पहले राजा साहिल वर्मा अपना शासन भरमौर से किया करते थे। उनकी बेटी ने अनुरोध किया उनसे, तो राजधानी को चंबा में बदलकर चंबा कर दिया गया राजधानी को। तो यहाँ से वह अपना शासन करने लगे। चंबा बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। चंबा अपने रुमाल के लिए बहुत फेमस है, चप्पल, पेंटिंग, शिल्प कला और प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत ही फेमस है, और चंबा का फूड भी बहुत फेमस है। तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें भूख लगी है और काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही है। तो पास ही में हिमाचल टूरिज्म का होटल इरावती है जहाँ पे हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल में दर्शन करने चलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक्चुअली हमने अपनी गाड़ी से आए हैं और गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है। तो पार्किंग में खड़ी करना सेफ है क्योंकि मंदिर जाते वक्त रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, तो गाड़ी आप अंदर नहीं लेके जा सकते और वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। ये हिमाचल टूरिज्म का होटल इरावती। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है। वैसे हिमाचल टूरिज्म के सारे होटल का जो मेन्यू है एक ही होता है, तो एक्चुअली खा के हम पक चुके हैं और भूख लगी है बाहर से ज़्यादा। हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि साफ सुथरा है, तो हम यहाँ पे खाते हैं। हमने यहाँ पे छोला भटूरा और चना पूरी और पनीर पराठा लिया है जो कि बहुत यम्मी था, टेस्टी था। अब हम चलते हैं मंदिर के लिए। यहाँ से हमें पैदल चलना होगा। और चंबा में ये जो मार्केट है बहुत बड़ी है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, आप खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में ऊपर की तरफ जाते हुए थोड़ा चढ़ाई और रास्ता कंजेस्टेड है, तो गाड़ी ले जाना मुश्किल है और आगे कहीं खड़ी करने की भी जगह नहीं है। लेकिन जो भरमौर की मार्केट थी वो छोटी थी, छोटी सी मार्केट थी, और ज़रूरत का सामान वहाँ पे मिल सकता है पर इतना नहीं। ये जो चंबा की मार्केट है बहुत बड़ी है, जैसे बिल्कुल धर्मशाला की मार्केट है, बिल्कुल वैसी उसी तरह से ये मार्केट लग रही है, और सभी तरह के सामान आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और हम चल रहे हैं पैदल। अब ये देख सकते हैं यहाँ से मंदिर दिखना शुरू हो गया है। अब हमने मंदिर में एंट्री कर ली है और मंदिर के आसपास ही प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और रास्ते में आते आते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कैब देखी है, हिमाचली कैब ऑलरेडी मेरे पास है, पर एज अ गिफ्ट खरीदने के लिए मैंने देखी है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे और रेट भी रीजनेबल है। तो हम यहाँ से कैब ले लेंगे जाते वक्त। और यहाँ चंबा के राजपा बहुत फेमस होते हैं और अखरोट, तो जाते वक्त हम वो भी लेंगे। ये है सबसे पहले मंदिर। हम चलते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बहुत ही प्राचीन और अपनी शिल्प कला के लिए बहुत फेमस है ये मंदिर। तो हम ये चलते, आइए इस भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये मंदिर अपनी शिल्प कला के लिए बहुत फेमस है। तो ये जो मंदिर है चंबा शहर का मुख्य मंदिर है, और ये मंदिर राजा साहिल वर्मा द्वारा 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। और ये मंदिर शिखर शैली में बनाया गया है जिसमें 6 मंदिरों का समूह है, और जो मंदिर भगवान विष्णु और भगवान शिव को, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इनके अलावा कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे राधा कृष्ण, गौरी शंकर, नंदी भगवान, कई अन्य देवी देवताओं की है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो संगमरमर की मूर्ति है वो साहिल वर्मा के पुत्रों के द्वारा विंध्याचल पर्वत से लाई गई थी। और यहाँ पे जो राधा कृष्ण का मंदिर है उनका निर्माण 1825 में रानी शारदा द्वारा किया गया था। और जो गौरी शंकर का मंदिर है उनका निर्माण साहिल वर्मा के पुत्र युगकार वर्मन ने किया था। और चंद्रगुप्त का शिव का जो मंदिर है उनका निर्माण साहिल वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है।
और मंदिर की हम परिक्रमा कर लेते हैं। मंदिर का जो परिसर है काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे नीचे शिव की पिंडी है जिसे ढका गया है, सुरक्षित रखा गया है। और इस वक्त जो मेन मंदिर था वो बंद था, तो हमने बंद मंदिर में से ही दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि हम मंदिर में तो आ गए पर हमें समय नहीं पता था मंदिर खुलने का। और एक्चुअली हमें जाना है खजियार, तो हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने मंदिर में दर्शन कर लिए ऐसे ही घूम के। तो आप जब भी आएँ तो मंदिर का समय पता करके आएँ कि सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक होता है और शाम को 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। चंबा शहर के मेले भी बहुत लोकप्रिय हैं। एक है सुही माता मेला और दूसरा है मिंजर मेला। और जो सुही माता मेला है वो 15 अगस्त से शुरू होता है और 1 अप्रैल तक चलता है, और जो मिंजर मेला है वो 23 जुलाई को शुरू होता है। तो जब भी आप आएँ विजिट करें चंबा में, तो ये देख कर आएँ कि आप उस वक्त आएँ ताकि आप मेलों का मज़ा उठा सकें, आप देख सकते हैं और देख सकें ये मेले। एक्चुअली इन मेलों में संगीत और नृत्य लगातार चलता रहता है, और आप वहाँ का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। और हिमाचल का लोकल फूड भी हमने खाया, बहुत ही अच्छा था। मदरा, राजमा मदरा, चना मदरा बहुत ही स्पेशल होता है, जिसमें कि खजूर, ड्राई फ्रूट और कर्ड, दही में बनाया जाता है ये। आप लोग जब भी आए तो ज़रूर ट्राई करें। और अभी हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाहर मार्केट की तरफ जाएंगे, तो आपको मार्केट दिखाएंगे और हमें कुछ अच्छा लगा तो हम ज़रूर खरीदेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, और आते वक्त यहाँ पे बाहर मंदिर के बाहर ही दुकान थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सामान वहाँ पे। यहाँ पे मूर्तियाँ की दुकान भी है मेटल की, तो आप ले सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छी ये देखिए, मैंने बताया था गरुड़ भगवान की धातु की मूर्ति है ये, देखिए यहाँ राजपा, यहाँ के चंबा के फेमस राजपा है, और चंबा के अखरोट देखिए, ये डिफरेंट टाइप के अखरोट है। तो हमने दुकान वाले से बात की तो उन्होंने बताया कि चंबा के स्पेशल है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे चंबा के जो स्पेशल राजपा है वो लिए, और चंबा की उड़द की दाल ली, वो भी बहुत अच्छी थी। ऑर्गेनिक दाल है, कोई कलर नहीं, कोई पॉलिश नहीं है, बहुत ही नेचुरल है। और जो अखरोट है वो भी मैंने ट्राई किए, तो हमने कुछ ले ली है और एक्चुअली मैंने बनाए भी, और बनाने के बाद सच में उनका जायका बहुत कमाल का था। ऑर्गेनिक और इतना क्रीमी टेक्सचर था, विदाउट मसाले, कोई मसाले नहीं ऐड किए, बहुत ही टेस्टी थे। तो जब भी आप लोग आए तो ज़रूर खरीदें और बनाएं और यहाँ पे आके ज़रूर खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो यहाँ से परचेज़ करेंगे ज़रूर। मैं इसी तरह ट्रैवल वीडियोस बनाती हूँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी खजियार की, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी खजियार को लेके। तो आज हम अभी जाएंगे खजियार, तो मैं वहाँ की वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इसी तरह ट्रैवल वीडियोस बनाती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक आप एन्जॉय कीजिए चंबा को।